Assalamu alaikum guys, welcome back to the channel. I am Mehraj Baloch. So guys, long time, तकरीबन एक मंथ होने वाला है मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो उसका रीज़न है इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा. तो शॉर्ट में आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि मेरी तबीयत जो थी वो बहुत ख़राब थी उस टाइम, और मेरा गला भी ख़राब था. तो अभी थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हुआ, तो एक नया व्लॉग मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए. आप लोगों को पता है कि इस टाइम पूरे बलूचिस्तान में जो है खजूर का सीज़न है. जहाँ भी खजूर का जो खजूर पाए जाते हैं, खजूर के दरख्त पाए जाते हैं, वहाँ खजूर का सीज़न है. तो मेरे माशकिल में भी इस टाइम खजूर का सीज़न है. तो मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, उसके अंदर मैं जो खजूर होते हैं, जो हमारे इलाके के जो बेहतरीन खजूर होते हैं, वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ. तो व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, व्लॉग को एंजॉय करें. लोग पहुंचे हैं नलुक्की, और पीछे के जो बैकग्राउंड में आप मेरे खजूर के दरख्त देख रहे हैं, इस जगह को नलुक्की कहते हैं. जो अभी हम जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे जो है खजूर के जो बेहतरीन खजूर के जो इकसाम होते हैं, जो बेहतरीन खजूर होता है, वो माशकिल में वहीं पे मिलता है. और भी जगह पे मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मिलते हैं वो शरक्की में मिलते हैं. तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं. तो मेरे साथ हैं शहजाद भाई. तो शहजाद भाई पहले भी मेरे व्लॉग में आ चुके हैं, तकरीबन दो व्लॉग में. तो अभी शहजाद भाई के साथ हम इंशाल्लाह जाएंगे शिरक्की, तो वहाँ के जो खजूर होते हैं इंशाल्लाह वो आपको भी दिखाएंगे. सो गाइस, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे शिरक्की, और अभी जो है हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ कौन से खजूर होते हैं, किस एग्ज़ाम के होते हैं, वो भी आपको बताएंगे, और बहुत ही मीठे होते हैं. तो गाइज़, ये शिरक्की है, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक यहाँ पे व्लॉग बनाया था, टाउन ऑफ डेट्स माशकिल, तो वो यहीं पे आके मैंने बनाया था. क्योंकि यहाँ के जो खजूर होते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और घने होते हैं, जो खजूर के दरख्त होते हैं, और इसके अलावा यहाँ के जो खजूर होते हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मीठे होते हैं. तो ये जगह को हम लोग कहते हैं शिरक्की. तो गाइज़, अभी जो ये चंद खजूर के अकसाम हैं जो मेरे सामने हैं इस टाइम, तो अभी इनके बारे में शहजाद भाई आपको बताएंगे इनके बारे में. तो अभी गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के खजूर किस तरह है. पहले ये है जिसको हम बोलते हैं अपनी बलोची ज़ुबान में पौनक. जब इसके बाद जो होता है वो होता है रंग. रंग ये है, जिस तरह रंग पकड़ता है, पहले उस तरह कच्चा होता है, फिर इस तरह थोड़ा पक जाता है, रंग कहते हैं इसको. फिर रंग के बाद क्या होता है, रंग के बाद ये होता है जो हम इसको बोलते हैं अपने बलोची ज़ुबान में कुंडाग. ये कुंडाग आधा पका हुआ है, आधा थोड़ा कच्चा है. जब इसके बाद जो कम्प्लीटली तैयार होता है खजूर, वो ये है. ये जो तैयार होता है, बिल्कुल पक जाता है, इसको हम बोलते हैं खजूर, और हम अपने बलोची ज़ुबान में इसको बोलते हैं हुरमाग, जो फुल पका हुआ है. इसके बाद जब ये कम्प्लीटली तैयार होते हैं तो बाद में इनको मार्केट में हम सप्लाई करते हैं, और बाद में मार्केट में ये बहुत ही अच्छे वैल्यू में बिक जाते हैं. अभी जो आप लोगों ने खजूर भी देखा, हमने खाया, आप लोगों ने देखा, तो अभी जो है गाइज़ आज के जो व्लॉग में बस इतना ही. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।